अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। डिटरमिन द नेचर ऑफ फ्रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय सॉल्विंग द इक्वेशन। हमने सबसे पहले नेचर ऑफ फ्रूट्स बताना है और ऊपर वाले जो हमारे पास कंडीशंस हैं उनको अप्लाई करके, और उसके बाद हमने सॉल्व भी करना है वेरीफाई करने के लिए कि जो हम नेचर ऑफ फ्रूट्स डायरेक्टली बता रहे हैं और सॉल्यूशन के बाद क्या ये दोनों सेम है या नहीं है। तो अब हम आते हैं फर्स्ट पार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है, उसके लिए हमें ए बी सी की वैल्यूज चाहिए। तो हेयर ए इज इक्वल टू 16, बी इज इक्वल टू -24 एंड सी इज इक्वल टू 9। तो ए इज डिस्क्रिमिनेंट is equal to b square minus 4ac, ये इसका फॉर्मूला है। तो b के वैल्यू -24 square minus 4a into c, -24 square, जब हम square लेते हैं तो इसका जो माइनस साइन है ये ख़त्म हो जाता है, तो 24 का square आ जाता है 576 माइनस, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4, 16 और 9 को, तो इसी में हमारे पास आ जाता है 576। तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाता है, 0। तो डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास आता है 0। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो उससे अब हम कंडीशन की तरफ जाते हैं कि नेचर ऑफ फ्रूट्स क्या होंगे। ज़रा ऊपर जाते हैं, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो तो हमारे पास कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है कि इफ डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 देन रूट्स आर रेशनल, यानी रेशनल होंगे और इक्वल रूट्स होंगे, यानी आंसर हमारा क्या आएगा, दो आंसर आएंगे वो दोनों सेम आंसर होंगे और जो रूट्स होंगे वो रेशनल यानी रियल नंबर होंगे। अब हम वेरीफाई करते हैं बाय सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि नेचर ऑफ रूट्स क्या है कि रूट्स विल बी रेशनल, दैट इज रियल नंबर एंड इक्वल, यानी रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। Now, solution of given equation, दोबारा हम इसको लिख लेते हैं सॉल्व करने के लिए। 16 x square minus 24 x plus 9 is equal to 0। हम इसको quadratic formula से भी solve कर सकते हैं और फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं। तो सिंपल जो अभी हमने किया, ए की वैल्यू हमने फाइंड की, बी की वैल्यू -24 है और इस तरह सी इज इक्वल टू 9। इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इससे पिछले बहुत सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं कि एक कहां से आता है बी और सी कहां से आता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac ओवर 2a। अब हम इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं, -b की वैल्यू है -24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -24 स्क्वायर यानी b स्क्वायर है -4ac a इनटू c ओवर 2a। कीप इन माइंड कि हमने नेचर ऑफ रूट्स में बताया था कि रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे और इक्वल होंगे।
यहाँ पर ये माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाएगा, तो प्लस 24 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, माइनस 24 का स्क्वायर अभी हमने निकाला था 576, माइनस उनको भी मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आया था 576 ओवर क्या आ रहा है 32। नाउ दिस इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस, अब स्क्वायर रूट के अंदर हमें क्या मिल रहा है 0 ओवर 32। तो x इज इक्वल टू 24 प्लस माइनस 0, स्क्वायर रूट 0 0 आ जाता है ओवर 32। अब हम दो दफा इसको लिख सकते हैं, 24 प्लस 0 ओवर 32 और 24 माइनस 0 ओवर 32। नाउ दिस इज इक्वल टू 24 ओवर 32 और इस तरह यहां पर भी 24 ओवर 32, दो आंसर आ गए सेम। आप इसको आसान करने के लिए मजीद इसको कटिंग कर लें, x इज इक्वल टू 8 के टेबल से अगर हम कटिंग कर लें, 8 3 जर 24 8 4 जर, और इस तरह सेम यहां पर भी आएगा 3 ओवर 4। तो दो आंसर आ गए हैं, 3 ओवर 4 पहला आंसर और 3 ओवर 4 दूसरा आंसर। तो हमने ऊपर नेचर ऑफ रूट्स में क्या बताया था कि रूट्स क्या होंगी, रेशनल होंगी और क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ऊपर हमने डायरेक्टली बताया था और यहाँ पर हमने वेरीफाई किया कि यस द रूट्स आर रियल नंबर्स एंड आल्सो द रूट्स और द आंसर्स आर इक्वल।